दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, गांधी के साथ सुभाष का डिस्प्यूट हुआ, और गांधी के साथ डिस्प्यूट होने के बाद सुभाष सुभाष क्या किए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिए। कब छोड़े? 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस छोड़ दी। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसको थर्ड में 1939 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्यों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़े? पहला कारण है क्योंकि जो गांधी थे उनके साथ डिस्प्यूट हो गया, और 1939 में वो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वहां से रिजाइन कर दिए। और रिजाइन करने का तुरंत बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी, एस्टैब्लिश कर दिया, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक। और एक बड़ा चीज है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाए तो एक रैली बनाए, रैली हुआ था कहाँ पे? कोलकाता में एक रैली हुआ था, उस समय इसको कालकाटा बोलते थे। कालकाटा में एक रैली हुआ, और उसी रैली में बोले सुभाष जी ने कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक में ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना उंगली काट के जो ब्लड होगा उसमें प्लेज फॉर्म, जो पार्टी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कुछ शपथ लेने के लिए, प्रिंसिपल वगैरह होता है, उसमें सिग्नेचर करेंगे। और ये बात, और ब्रिटिश के साथ कोई भी लेना देना नहीं रखेंगे, कोई भी नाता नहीं रखेंगे। और इसको सुन के आपको जानना बहुत जरूरी है, पहले 17 गर्ल 17 लड़की जो थे वो साइन कर दिए। कहाँ कर दिए? वो जो ये था प्लेज फॉर्म था, वो प्लेज फॉर्म वहां पे सिग्नेचर किए और ज्वाइन किए। ठीक। और एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है यहाँ पे एक क्या कहते हैं चीज ध्यान रखना चाहिए। इसका तो प्रेसिडेंट जाहिर सा बात है सुभाष बोस होंगे, सुभाष बोस थे जिनको नेताजी सुभाष बोस बोलते थे। लेकिन इनका जो वाइस प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट वो थे एस काभेसिर, कहीं कहीं एस डब्ल्यू आर लिखा है, एस काभेसिर इनका वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता था, एक मैगजीन निकाले जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, सेम नाम था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक जो मैगजीन है वो भी निकाले। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ चीज क्या है। चीज ऐसा है, गांधी के साथ डिस्प्यूट होने के बाद, गांधी के साथ डिस्प्यूट होने के बाद सुभाष ने कांग्रेस छोड़ दी। कब छोड़े? 29 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ दी। और कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या किए? कालकाटा में रैली की, और उस रैली में ये बता दिए कि जो हमारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी होगा वो 3 मई को वो एस्टेब्लिश कर दिए थे। और रैली में बताया कि जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो उंगली काट के जो ब्लॉड होता है उसमें अगर लिखेंगे नाम, प्लेज फॉर्म में साइन करेंगे, और ब्रिटिश के साथ कोई भी जो रिलेशन होता है, अंग्रेज के साथ कोई भी नाता नहीं रखेंगे, तब जाके वो लोग पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं। और इसको सुन के 17 से करीब 17 लड़की जो है वो साइन किए और ज्वाइन किए। ठीक। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इनका जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम जानते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे एस काव्य थे। और ये एक मैगजीन निकाले जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। मैं समझता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।